जितना आत्मविश्वास आज है, जितना कॉन्फिडेंस आज है, वो उस समय भी था जब कुछ नहीं था हाथ में? हमेशा जीवन में कुछ हो ना हो, आदमी कॉन्फिडेंस मत भूलना अपना, क्योंकि डूबती हुई नाव को भी आप सीधा कर जाओगे अगर कॉन्फिडेंस अच्छा है। क्योंकि जीवन पूरी दुनिया ही कॉन्फिडेंस में सर, वो लोगों ने अपनी मतलब क्या गर्दनें कटवा दी, आजादी के लिए इतने लड़ गए, तो ऐसे ही था कि उनके जेबों में करोड़ों रुपए थे क्या? क्या उनके माँ बाप कोई बहुत बड़ी प्रिविलेज फैमिली से थे? क्या था उनके पास? सिर्फ आत्मविश्वास। वो भी आता है, ऑल्दो ये टाइम बींग के साथ आता है, चीजें सीखते सबते आता है, पर एक चीज ही मेरे पास थी, वो थी आत्मविश्वास। और ये मैंने सीखी अपने छोटे भाई से और अपने बाप से। मेरे पिताजी ने जो आत्मविश्वास मुझे दिया कि वो उन्होंने अपने बचपन के टाइम में साइकिलों से अगरबत्तियां बेची है, तो मुझे पता है कि जर्नी ऐसे ही चालू होती है। और एक और चीज़ है ना रिचा मैम, कि हर किसी को लोगों की जीवनी पढ़ने का मजा बहुत आता है, संघर्ष की कहानियां सबको अच्छी लगती है, और कोई संघर्ष करना नहीं चाहता। ये वीडियो देख के भी अच्छा लगा, अरे प्रफुल बहुत जोरदार है, पर तू जीना चाहता है? ये चाय का ठेला लगा पाएगा? 10,000 लोग अभी तक आ चुके हैं मेरे से व्यक्तिगत रूप से मिलने कि मैं चाय का ठेला या कुछ ऐसा छोटा बिजनेस कैसे चालू करूं, कोई एक रिपीट नहीं आया जिसने बोल दिया कि मैंने प्रफुल भाई कर दिया। सुनना अच्छा लगता है सबको, 2-4 दिन फील गुड होता है। वो कर दो ना, कर्म तो करना पड़ेगा। स्टोरियां सुनने से, वीडियो देखने से अगर दुनिया पलट जाती तो मैं वही करता हूँ, ये छोड़ देते हैं। फिर जब पापा को पहली बार पता चला कि दरअसल MBA वगैरह हो नहीं रहा था, MBA चाय वाला बन गया है मेरा बेटा, तो क्या क्या था घर में सीन? ये ऐसे इनडायरेक्ट पता चला, मेरी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी सेप्ट यूनिवर्सिटी के बच्चों ने अहमदाबाद में, वो वायरल हो गई, हेडिंग था MBA चाय वाला, तो बहुत वायरल। तो वो किसी को थर्ड पार्टी ने भेजी, तो अपना प्रफुल दिख रहा है, बोली हाँ ये क्या कर रहा है, मेरे को तो पता ही नहीं है। पर उन्होंने एकदम से मेरे को चिल्लाया, मम्मी पापा ने फोन किया, क्या कर रहे हैं, हमको तो बहुत उम्मीद थी, तू कैट GMAT की प्रिपरेशन कर रहा था, तो हम तो समाज में बोल रहे थे कि भाई तू तो बहुत बड़े कॉलेज में जाएगा, ये करेगा, इस कंपनी में नौकरी करेगा, ताकि हम प्राउडली बोल सके मेरा बेटा उस कंपनी में नौकरी कर रहा है। तो वो हजम होती नहीं हिंदुस्तानी पेरेंट्स को, बट आज खुश है, खुश है वो यार, खुश है, प्राउड है। आज मेरी MBA चावला की वजह से उनको लोग और समाज में जानने पहचानने लगे, जिक्र हो जाता है प्रफुल का, MBA चावला का, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए, बहुत है ना यार। और मैं तो अपने परिवार की खुशी को अपनी खुशी मानता हूँ, अपनी खुशी को अपनी परिवार की खुशी मानता हूँ, क्योंकि अगर आप बहुत सफल हो गए, बहुत आपके करोड़ों अकाउंट में बैलेंस में आप भी गया और आप अकेले पहुंच गए, तो वो भी मेरे को सक्सेस नहीं चाहिए। तो एक बात बताइए, आप तो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं ना? मैं बेसिकली हूँ धार का, धार जो कि इंदौर से 80 किलोमीटर दूर एक जिला है, वहाँ पे है लबराउदा, वहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ, धार से हूँ मैं। छोटा सा कस्बा है? बिल्कुल छोटा सा कस्बा है, जहाँ पे वही सब हवाबाजी, गाड़ियों को यूं यूं करना। हमारे यहाँ ओलंपिक में कोई मेडल नहीं है, पर वहाँ सब जो चौराहे पे, हमारे यहाँ सब नेता चौराहे पे मिल जाएंगे, बड़े बड़े दादा पहलवान सुरमू ऐसे ऐसे चलते हैं यूं, पर हमारा कोई ओलंपिक में एक भी मेडल नहीं उस कैटेगरी को लेके। सो जितनी हवाबाजी लोग दिखाते, मेरे को समझ नहीं आते कि उनका एड्रेनल डोपामाइन को वो रोड पे ही सब क्यों व्यक्त कर देते हैं। तो वो वाले क्षेत्रों से हम लोग हैं, और इस चीज को मैं समझता हूँ कि वो अपनी एनर्जी को, अपने दिमाग को, अपने संयम को, अपने समय को और अपने पैसों को गलत जगह वेस्ट कर रहे हैं, जिसका मुझे दुख भी होता है। फिर मध्य प्रदेश धार से गुजरात अहमदाबाद ये सफर कब और कैसे हुआ? मैं प्रिपरेशन कैट GMAT की कर रहा था, मैंने आपको बताया, तो वो इंदौर से मैं कर रहा था, 2.5 साल हो गए मेरे को। फिर वहीं से तो मैंने ट्रैवलिंग छोड़ दी, इंदौर छोड़ दिया मैंने, मैं ट्रैवल करने लग गया, दिल्ली आया, गुड़गांव आया, फिर हरिद्वार गया, मैं बैंगलोर चेन्नई पहुंच गया, फिर आखिरी में मेरी गाड़ी अहमदाबाद में रुकी, जहां मुझे लगा कि ये ठहराव होना चाहिए। वही मैं जानना चाह रही हूं, वहां कैसे रुक गई गाड़ी? तो क्या हुआ, अहमदाबाद जाके मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लगी कि यहां के लोग बड़े नेचुरल है, कोई हवाबाजी नहीं। मर्सिडीज BMW से भी बंदा आएगा ना, तो रोड पे चाय की टपरी पे चाय पी लेगा, मतलब वो अर्धत गली छलक के तो जाए, बोलने कहां गली छलक जाए। हाँ, तो वो वाला सीन नहीं है, बड़े सेठ हैं, पैसे वाले हैं, दमदार है, इज्जतदार है, फिर भी वो संयम रखते हैं, सम्मान देते हैं लोगों को, तो वहां पे पसंद आएगा। और मेरे जैसे लोग आ रहे हैं, मेरे को ऐसे लोग हवाबाजी करने वाले और ये लोग पसंद नहीं आते, जिससे मैं सीख सकूं, जिसको पता है कि कोई किसी भी डिस्टिंग्विश फील्ड से है पर वो अपने आप में बहुत अच्छा। आप भी विदिशा में इतना अच्छा काम कर रही, मैं आपका यूं नहीं बोलूंगा कि आपका बहुत बड़ा कारोबार है, पर आपका काम आप बखूबी से निभा रहे हो, तो यहाँ इज्जत देना, सपोर्ट करना, वो सारी चीजें अहमदाबाद में मुझे मिली, तो मैं वहीं ठहर गया। अहमदाबाद जो सपना था उससे कोई कनेक्शन तो नहीं है? कनेक्शन एक्चुअली मैं अहमदाबाद का ही था, मैं नहीं बोलना चाहता था पर बोल गया। तो अहमदाबाद के ठीक पीछे PG लिया था मैंने, आपको बताऊं, क्योंकि मैं उसको दिन भर निहार सकूं, देख सकूं। हाँ, क्या बात है यार, यही है दुनिया यार, किसी दिन गेस्ट बन के जाएंगे। और जाके भी आया। हाँ? तो उसी के पास PG लिया, फिर धीरे धीरे मैकडोनल्ड्स में जॉब। मैं वही बोल रहा हूँ, जो चीज आपको आज सपना लग रही, जो चीज बहुत बड़ी लग रही है, मैं खुद रिचा का शो देखता था, आपका शो देखता था, आज आपके साथ हूं। मैं समझो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपके लिए, मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है या छोटी चीज है, तो जो चीज आपको बड़ी लग रही है वो किसी दिन बहुत सामान्य हो जाएगी। तो ज्यादा अपने ऊपर बोझ मत करो कि ये कब होगा, मेहनत करो, अपने आप चीजें मिल जाएगी। लेकिन ये मतलब हम थोड़ा आगे चले गए, अब आपने चलिए वो एक ठेला लगा लिया, 300 रुपए की आपने कमाई कर ली, वहां से
आज 6 आउटलेट्स, आज हम यहाँ चंडीगढ़ में बैठे हैं, मैं बता दूं हम अहमदाबाद में नहीं है, चंडीगढ़ में बैठे हैं। ये छठी आउटलेट है, ये छठी आउटलेट है और हमारे लगभग 15-17 आउटलेट्स और आ रहे हैं और इस साल हम इंटरनेशनल भी चले जाएंगे। हम लोगों ने अभी 6 महीने पहले ये फ्रेंचाइजी एक्सपांशन चालू किया, तो 4 साल तो मुझे संघर्ष करते करते हो गए, 2 साल तो रोड पे चाय बने, 1.5 साल का कोरोना, 3.5-4 साल तो यही हो गया। अब हमने सोचा कि अब नाउ वी शुड एक्सपांड, उसके पहले काफी लोगों की इंक्वायरीज आई है, पर हम लोग हमारे स्ट्रक्चर पहले बनाना चाहते थे, चीजें हम खुद से सीखना चाहते थे। अभी क्या है, लोग